जो 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहा है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, जो 40 रुपए में बिकवाएगा उसको वोट मिलना चाहिए। तो जनाब अब तो 100 रुपए और 100 रुपए से पार हो गया, कोई जवाब है आपके पास? आप कहते थे कि जो रुपया है वो आईसीयू में है डॉलर के मुकाबले में, आज रुपया कहाँ है? आईसीयू में ही नहीं, आईसीसीयू में है, मरने पे आ गया है, कोई जवाब है इनके पास? बहुत हाहाकार मचा, प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले उसने, वो तो मणिपुर की त्रासदी में भी गूंगे हो गए, अब तो हरियाणा में पूरी हालत है गूंगे बने हुए। बापू गांधी को मालूम था कि जब ये नारा उठेगा आंदोलन उठेगा तो आंदोलन शुरू नहीं होने देंगे, सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने उस समय एक युवती पे भरोसा किया जिसका नाम अरुणा था। अरुणा से कहा, देखो हमें मालूम है सब लोगों को 8 तारीख 7 तारीख सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 9 तारीख को बॉम्बे का जमावड़ा है और उस दिन वहां पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होना है और वो तुम करोगी। अरुणा ने कहा, बापू मैं आपको फेल नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी। अरुणा अंडरग्राउंड थी, अंग्रेज उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बॉम्बे में ओवरग्राउंड थे, उस मैदान में पहुंचे इससे पहले कि अंग्रेज समझ पाते कि ये महिला कौन है जो ऊपर पहुंच गए। अरुणा ने भाषण दिया, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया, झंडा फहराया और जब पुलिस को समझ में आई यही तो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो वो वहां से चंपक हो गए। फिर देश के आजाद होने तक वो उनकी पकड़ में नहीं आए। तो 9 अगस्त 1942 के दिन आप यहाँ इकट्ठा है और आज ही के दिन हिंदुस्तान की जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने कॉल किया था पूरे देश भर में, आज के दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे स्टेट कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स में और जहां संभव हो तहसील और मंडल के स्तर के ऊपर। क्योंकि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार बैठी है, लोगों के दुख और कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक खतरनाक साबित हो रही है, महिलाओं के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब 450-450 का सिलेंडर था तो ये बोलते थे बहुत महंगा है ये नहीं चलेगा, वो सिलेंडर लेके घूमते थे इनके नेता जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, और आज कितने में सिलेंडर है? 1200 रुपए में सिलेंडर है, 3 गुना दाम में सिलेंडर है, तथा कथित उज्ज्वला जो आई थी वो गायब हो चुकी है, उज्ज्वला सबको खरीदना पड़ता है, यही बोले थे और कहवाए थे। जो 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहा है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, जो 40 रुपए में बिकवाएगा उसको वोट मिलना चाहिए। तो जनाब अब तो 100 रुपए और 100 रुपए से पार हो गया, कोई जवाब है आपके पास? आप कहते थे कि जो रुपया है वो आईसीयू में है डॉलर के मुकाबले में, आज रुपया कहाँ है? आईसीयू में ही नहीं, आईसीसीयू में है, मरने पे आ गया है, कोई जवाब है इनके पास? और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसपे समाज को देश को भरोसा होता है, जिसकी वजह से कुछ काम धंधे मिलते हैं, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है पैसा मिल पाता है, कब्जा मिल पाता है, नया काम शुरू करने के लिए कुछ मदद मिलती है, हमारी एमएसएमई को हेल्प मिलती है, सारी वेलफेयर की स्कीमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जरिए से लागू होती है, और IDBI तो डेवलप ही इसलिए किया गया था, इसका नाम ही इंडियन डेवलपमेंट बैंक, यही बोलते हैं ना, है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका तो नाम ही डेवलपमेंट शब्द है, बाकी बैंक्स में डेवलपमेंट शब्द नहीं है, इसको खोला ही डेवलपमेंट के लिए किया गया। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी
विकास, सबका साथ, तो सबका ही साथ आप बोलते हैं, सबका ही विकास बोलते हैं, तो फिर विकास के लिए जो आईडीबीआई खुला और सेंटर के तहत आ गया, उसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया विकास में, आज उसी आईडीबीआई के ऊपर हमला बोल रहे हो, उसी में सरकारी शेयर कम कर रहे हो, उसी के अंदर देश के ही नहीं विदेशी कंपनियों की भी नजर है कि वो इसको पकड़े, क्योंकि इसके जरिए से जितना छोटा बिजनेस है जिसकी चर्चा करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, सप्लाई चेन कौन है सप्लाई चेन में, गरीब गुरबा है नीचे, जो एमएसएमई के काम में जुड़ा है, तुम उनको बर्बाद कर रहे हो और नारा देते हो हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब साथियों ये है कि आज के दिन में हमारे देश के संकट जो बढ़े हैं उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। कौन सा सेक्टर छोड़ा है इन्होंने? बैंक्स की मर्जर का रास्ता कब अपनाया? लगातार विरोध कर रही थी आईबीए और दूसरे यूनियनों को साथ मिलकर यूएफबीयू की तरफ से, लेकिन जब कोरोना था, जब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था, हड़ताल पे नहीं उतर सकते थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे मर्जर का फैसला लिया गया और उस पर्टिकुलर टाइम पे बैंकों के निजीकरण किए जाएंगे, कहा कि दो बैंकों का हम करेंगे, फिर कहा चार बैंकों का करेंगे, और उसी पीरियड के अंदर आपके ऊपर जो हमला था वो तेज कर दिया गया। तो ये सरकार करना क्या चाहती है? इसलिए हम ये समझते हैं आज का दिन जो हमने चुना पूरे देश में प्रदर्शनों का, ये कहते हुए भी चुना कि हम भूल नहीं सकते, वो 1942 का दौर था, देश के किसानों ने बहुत अनाज उगाया था, अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन लाखों हिंदुस्तानी भूख से मर गए थे, बंगाल में अकाल आ गया था, भुखमरी का दौर था, अनाज है लोगों के घर में नहीं है, पेट में नहीं जा रहा है और अकाल पड़ गया, और आज भी अनाज है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वितरण प्रणाली सुदृढ़ नहीं है और वह सर्वव्यापी नहीं है, और मिस्टर मोदी की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछते हैं, देश में 5 साल से नीचे के बच्चों की बहुत मौत हो रही है, सरकार एफिडेविट दायर करे और हमें कारण बताए कि क्यों ये बच्चों की मौतें इतनी ज्यादा हो रही है, तो क्या एफिडेविट दिया सरकार ने? सरकार का एफिडेविट कहता है कि जो 5 साल से नीचे बच्चे मर रहे हैं उनमें से अलग अलग कारणों में 65% बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। ये मैं तो नहीं बता रही, मैं तक अभी से आंकड़ा नहीं लेके आई, नहीं बैंक यूनियन से लाई हूं, ये आंकड़ा हिंदुस्तान की सरकार का, और हिंदुस्तान की सरकार ने उनका जो क्राइम ब्यूरो है उसने इस साल रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट पार्लियामेंट को देनी पड़ती है। क्राइम ब्यूरो ने बताया पिछले साल जितनी आत्महत्याएं हुई उनमें से 25% आत्महत्याएं दिहाड़ी दार मजदूरों की है। तो कहां हम पहुंच गए? क्या हम 1947 के पहले के दौर में फेंके जा रहे हैं? 2019 के चुनाव के दौरान आंकड़ा आया था कि पिछले 40 सालों में इतनी बेरोजगारी की दर नहीं बढ़ी जितनी मोदी जी के राज में बढ़ी, और आंकड़ा आया था कि 80 साल पहले एक अमीर और एक गरीब के बीच में जो खाई थी और जो अंतर था, हिंदुस्तान वापिस वहां पहुंच चुका है। क्या मिस्टर मोदी की सरकार ने कहा कि आंकड़ा गलत है, इनकार किया इस बात से? एक बार भी नहीं इनकार किया। तुम्हारा क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट दे, तुम सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताओ और दुनिया हमें हमारा आईना दिखाए। दुनिया ने आईना दिखाया कि 118 देशों में से हिंदुस्तान का हंगर इंडेक्स बुरा होता जा रहा है। इनके राज आने पे के कुछ समय के बाद 102 पे पहुंच गए हैं,
उससे पहले 100 से नीचे के आंकड़े के थे और आप 107 देशों सातवें 107 में स्थान पे हम हैं 118 देशों में से। हमारे अगल बगल के सारे देश का हमसे बेहतर है हंगर इंडेक्स और हम नीचे गर्त में जा रहे हैं। क्या इस सरकार ने कहा कि यह आंकड़ा गलत है? क्योंकि गलत नहीं है, कह नहीं सकते। कहां पहुंचा रहे हैं हमें? असमानता की और भी दूभर हालत हो गई है। पिछले साल रिपोर्ट आई थी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उस साल के पैरेलल में इनइक्वालिटी रिपोर्ट प्रेस को पेश की जाती है। पिछले साल रिपोर्ट पेश हुई 2021 के बारे में, जो 2022 में पेश हुई, जो इंडिया का चैप्टर था उसमें लिखा था हिंदुस्तान की जो कुल धन दौलत है उसमें से ऊपर के 1% जो अमीर है उनके पास 22.5% हिस्सा है और जो नीचे के 50% हिंदुस्तानी है यानी 70 करोड़ इंसान उनके पास कुल धन दौलत का केवल 13% है, 13% ओनली। बहुत हाहाकार मचा, प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले उससे, वो तो मणिपुर की त्रासदी में भी गूंगे हो गए। अब तो हरियाणा में पूरी हालत है गूंगे बने हुए और कोई भी लोगों के ऊपर संकट है गूंगे बन जाते हैं। आप जहां बैठे हैं वही दूसरे कोने पे हमारी रेस्लर बच्चियां बैठी थी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई थी और उनके साथ क्या रवैया हुआ आप सब जानते हैं। और 28 मई को तथाकथित नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है और उन गोल्ड विनिंग रेस्लर्स को लड़के लड़कियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, ये रवैया है। और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले और उनका जो अतताई है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो पार्लियामेंट के अंदर एंजॉय कर रहा था और हमारी बच्चियां बाहर घसीटी जा रही थी और वो सीधे बोलता था मैं क्यों रिजाइन करूं जब तक मुझे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री तब भी चुप थे खामोश थे। इस बार जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उस रिपोर्ट ने बताया कि जो ऊपर के 1% अमीर है उनका देश की धन दौलत में हिस्सा बढ़ गया है, वो 22.5% से बढ़ के 40.5% हो गया है और जो नीचे के 50% लोग हैं 70 करोड़ हिंदुस्तानी जिनके पास कुल धन दौलत का 13% था वो घट करके अब 3% रह गया है। मिस्टर मोदी ने कहा कि आंकड़ा गलत है, अमित शाह ने कहा कि आंकड़ा गलत है, नहीं कहा क्योंकि ये सच्चाई है आज देश के अंदर। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी वो बहस नहीं होने दी गई, सरकार ने खुद पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, उनके एमपीस ने उसको ब्लॉक किया। आज जब मणिपुर पे डिबेट होनी थी सरकार खुद पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही थी, तो ये एक नया तरीका है कि विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया करता बहुत से प्रश्नों पे बहुत से मुद्दों पे, पर पहली बार सरकार जवाब नहीं देना चाहती, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते तो सरकार पक्ष के एमपी लोग ही पार्लियामेंट नहीं चलने देते, तो ये नया तरीका है। आपकी सारी मांगे जो फाइनेंस के तहत आती है जो बजट का हिस्सा होती है, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बजट बिना बहस के पास हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कबूल किया मुझे बड़ा दुख है कि बजट के ऊपर बहस नहीं हुई। जिस बजट पर बहस करते हुए लोग बोलते हैं हमें पीने का पानी नहीं, हमारे राज्य में इंतजाम करो, बिजली मिलनी चाहिए, सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, इलाज सस्ता मिलना चाहिए, ये कमियां हैं उनको दूर करो, रोजगार सृजन करो, एमएसएमई को मदद देने वाले बैंकों की रक्षा करो, उसका निजीकरण नहीं करो, उसमें सरकार शेयर नहीं घटाए, दुनिया भर की मांगे उठती
गांव और शहर के गरीब की उठती, मिडिल क्लास की उठती, लेकिन उस बजट पे बहस नहीं हुआ। बिना बहस के बजट पास हो गया। इसलिए मैं आप साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस बैंक के साथियों की हर लड़ाई के साथ जुड़े रहे हैं, हमेशा जुड़े रहे हैं। बैंक के साथियों का संघर्ष फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो है उसका हम समर्थन करते आए हैं, और हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियन से टाइम टू टाइम आप लोगों की हड़तालों के एक्शन के लिए हमने सॉलिडरिटी स्टेटमेंट्स एआईटीयूसी की तरफ से पहल लेके सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से दिलवाई है। उसके साथ साथ हमें भी फक्र है कि हमारे बैंक की यूनियन से जब जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने पूरे देश में हड़ताल का नारा दिया, तो आप अपनी हड़तालों के बाद जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के उस नारे के साथ खड़े होते हैं, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि आज मौका ही ये है कि हम अपने अपने सेक्टर में अपने अपने मुद्दों को उजागर करें, उसके ऊपर लड़ें, लेकिन सभी जो पब्लिक सेक्टर है उसके ऊपर हमला है, उनकी एकजुटता बढ़ाएं। सभी मजदूरों और किसानों पे हमला है तो उनके साथ एकजुट खड़े हैं। ये रास्ता कुछ समय से हम लोगों ने तय करना शुरू किया। आपके बैंक यूनियन लीडर्स जब 15 महीने के लिए किसान बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, तो ट्रेड यूनियंस वहां गई, आपकी बैंक यूनियंस भी गई, आपकी AIBEA और AIBOA के लोग भी वहां पहुंचे। तो आज किसान भी समझते हैं कि बैंक जो उनके लिए बहुत बड़ा मददगार होते हैं, अगर उनको कमजोर कर दिया जाएगा तो किसानों की हालत, खास करके जो मंझला किसान, छोटा किसान, गरीब किसान है, उसकी तबाही का रास्ता हो जाएगा। IDBA का पूरा मैंने आपका एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स की तरफ से जो आपने मेमोरेंडम तैयार किया है मैंने उसको पढ़ा है। मैं आपकी सारी मांगों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन इसी के साथ साथ ये कहने के लिए पहुंचे, अगर देश का आज के दिन 9 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता आंदोलन का ये असेसमेंट था, क्या अंग्रेज कुर्सी पे नहीं रह सकते? इन्होंने हमारे नौजवानों को फांसियों पे लटकाया, इन्होंने हमारे किसान मजदूरों को प्रताड़ित किया, इन्होंने महिलाओं का, नौजवानों का जीना दुभर किया, तो अब इनको रहने का हक नहीं। और अपने आंदोलन को तेज करा उन्होंने 9 अगस्त 1942 के बाद। हम भी मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देने के लिए आज का दिन चुने। एक कोइंसिडेंस है कि आप भी आज ही के दिन यहाँ अपनी मांगे लेके आए। अभी उधर पीछे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का धरना चल रहा है, पूरे देश में जो आंदोलन है उसका हिस्सा है ये कैपिटल सिटी में। तो हम आज के दिन ये हद ले रहे हैं कि मिस्टर मोदी, आप समझते थे मुझे कोई भेद नहीं सकता, चुनौती नहीं दे सकता, उंगली नहीं उठा सकता, आंख से आंख नहीं मिला सकता, हमारे अन्नदाता किसान ने 15 महीने तुम्हारी नाक में दम करके रख दिया यहाँ का। और इसलिए हम श्रमिक लोग जो देश की आजादी के आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग थे, श्रमिक आंदोलन ने देश की आजादी के आंदोलन को बहुत कुछ दिया, मजदूरों के आंदोलन ने बहुत कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से लिया, और ये खूबसूरत रिश्ता मजदूर आंदोलन का और स्वतंत्रता आंदोलन का हमारे देश की आजादी को हासिल करने में कई कदम आगे बढ़ा। उसी में मैं कहना चाहती हूँ, आपने मेरा परिचय दिया एक तक की महामंत्री, मुझे फक्र है कि मुझे इस ओहदे पे साथियों ने बिठाया। 1920 में एटक बनी, लेकिन एटक 1920 में शुरू नहीं होती है। एटक पूरे देश में जो यूनियन थी उसको इकट्ठा करके राष्ट्रीय संगठन बना, लेकिन देश के अंदर यूनियने 1870 से बननी शुरू हुई। इस देश के अंदर अंग्रेजों को चुनौती देने का माहौल 1827 से शुरू किया था मजदूरों ने, पहली हड़ताल से, जब यूनियन नाम का शब्द नहीं मालूम था।
हमारे किसानों ने, आदिवासियों ने, मजदूरों ने जो संघर्ष किए, आंदोलन किए, उसके चलते हुए 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम का मुंह देख पाया ये देश। आंदोलन को कुचल दिया, मजदूर नहीं बैठा आराम से। सबसे पहले 1861 में फिर से मजदूरों ने आवाज उठाई। मजदूर आंदोलन का इतिहास देखते हैं तो 1861 से लेके 1900 आते आते कई दर्जनों हड़तालें मजदूरों ने कर डाली। दाग तार घर के अंदर, रेलवे की यूनियनें बन गई, टेक्सटाइल की बन गई, जूट की बन गई, टी प्लांटेशन की बन गई, कॉफी प्लांटेशन की बन गई, जितने काम काज होते थे सब में यूनियनें बननी शुरू हुई। 1900 शुरू हुआ, 20वीं शताब्दी शुरू हुई, मजदूरों का आंदोलन तेज हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दिया मजदूर आंदोलन ने। जब जब स्वतंत्रता आंदोलन धीमा पड़ता था, मजदूर आंदोलन कभी धीमा नहीं हुआ। उसने रोशनी जला के रखी, उसने चिंगारी को जिंदा रखा और आजादी का आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ता रहा। और उसको जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहिए, पेटिशन और रिप्रेजेंटेशन से बाहर निकलना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन को यह संदेश भी मजदूर आंदोलन ने दिया। और हम ये देखते हैं कि 1905 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगा। एक आपके बाल में पंख लगना चाहिए आदर सम्मान का श्रमिकों के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें व्हाइट कॉलर कहता है कि ब्लू कॉलर कहता है, कोई मिडिल क्लास एम्प्लॉय कहता है और दूसरी तरफ हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर है। पर है तो हम सभी मजदूर। काम नहीं करेंगे, पगार नहीं मिलेगी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये तो आप और हम सब समझ रहे हैं। इसलिए कलम का मजदूर, दिमाग का मजदूर, हाथ का मजदूर, पैर का मजदूर है तो हम सभी श्रमिक। श्रमिकों ने इस देश को एक और बात की। जब 1921 के अंदर सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ है आरसीसी का, उसमें पहली बार इस देश के मजदूर ने ये नारा उठाया और प्रस्ताव पास किया कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहिए। देश के अंदर पूरी आजादी का नारा 1929 में आया और देश के मजदूर ने वो आजादी का नारा 1921 में दिया। अपने को कम मत आंकिए, उस सारे मजदूर जमात का आप हिस्सा है, उस ताकत से लड़िए। श्रमिक आंदोलनों के साथ चलने वाली सारी यूनियनें आज आप लोगों के साथ हैं, सहयोग में है। उस ताकत और हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ ये किसी की मेहरबानी नहीं है जो हमें श्रम कानून मिले, किसी की मेहरबानी नहीं है कि हमें ट्रेड यूनियन एक्ट मिला। और आजादी से पहले के कानून, आजादी के बाद के कानून सब हमने लड़के हासिल किए हैं, किसी ने हमें तस्करी पे रख के नहीं दिए। आज आप यहाँ धरना लगाए बैठे, आपकी यूनियनें हैं, लेकिन जिस ढंग से लेबर कोड बनाए हैं इस सरकार ने, वो ये धरने बंद करवाएंगे, आपके जुलूस बंद कराएंगे, आपके यूनियन दफ्तर बंद कराएंगे, यूनियन का रजिस्टर होना मुश्किल कर देंगे, यूनियन की डी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमारे पोस्टल की यूनियन 1925-1930 की बनी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनका रिकॉग्निशन खत्म किया है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए, आर्थिक तौर पे भी पीट रहे हैं, देश की पूरी पब्लिक सेक्टर को ध्वस्त करने में लगे हैं और उसके साथ साथ जो इनके विरुद्ध लड़ सकते हैं, रिजिस्ट कर सकते हैं, लामबंद हो सकते हैं, उनके ऊपर हमला भी बोले हुए, इसलिए वो भी हमारा मुद्दा है, आपका हमारा सबका मुद्दा है। हमारे श्रम कानूनों की हमको रक्षा करनी, जिसके बल पे आप यहाँ तक पहुँचे हो, जिसके बल पे आप लड़ते हो, जिसके बल पे आप बाईपास टाइप करते हो, जिसके बल पे आप मांग पत्र देते हो, वो सारे रास्ते मिस्टर मोदी की सरकार अवरुद्ध करना चाहती है। और इसीलिए मैं आज उसी की तरफ से आपके बीच में पहुंचे हूँ तो मैं ये भी फक्र कहना चाहती हूँ कि देश में जब किसी सवाल का ये जवाब नहीं दे पा रहे, महंगाई का, बेकारी का, पब्लिक सेक्टर क्यों निजीकरण कर रहे हो, लूट क्यों मची हुई है, ये सब कुछ, तो पूरे देश में कुछ ताकतों ने अफरा तफरी फैला दी,
नफरत का दौर फैला दिया, हिंदू मुस्लिम फसादों का दौर कर दिया। हमारे हिंदुस्तान की हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता है आपस में प्यार प्रेम से रहने की, अपने अपने धर्म को मानने की, वो हमारा निजी मामला है, हमारी मर्जी। हमें कैसे अमन चैन मिलता, मंदिर जाने से मिलता है कि नमाज पढ़ने से, कि गुरुद्वारे में मत्था टेकने से, कि ईसा को याद करने से। कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, सबके अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमने श्रमिक आंदोलन से सीखा है, ये हमने स्वतंत्रता आंदोलन से सीखा है, और उसी आंदोलन ने प्रतिबिंब दिखाया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है, हमारे पहरावे अलग हो सकते हैं, खान पान अलग हो सकते हैं, धार्मिक स्थल अलग हो सकते हैं, धर्म को मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो सारी बहुलताएं हमारी भाषाओं की और हमारी संस्कृतियों की, हमारे फेस्टिवल्स की, वो सब हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारे देश की ताकत है, और ये हमारे देश की इस ताकत को कमजोर कर रहे हैं। गैंग फेंक रखे हैं सड़कों के ऊपर, हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वो नौजवान बच्चे जब दंगाई में पुलिस केस होते तो किसी मंत्री संतरी का बेटा पकड़ा जाता है क्या? वो लोग नहीं वहां होते, गरीबों के बच्चों को ही आंदोलन में उतारा जा रहा है। वही मरते हैं, वही मारते हैं, उन्हीं पे केस होता है, वो सड़ते हैं, उनके परिवार परेशान होते हैं। हमने देश में अफरा तफरी मना रखी है, इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मजदूर आंदोलन होने के नाते के समाज में भाईचारा बना रहे, हर कोई बिल्कुल बेखौफ जी सके, उसके जो मुद्दे हैं प्रश्न हैं उस पे सरकार से बहस कर सके, उस पे लंबन हो सके, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए वो लड़ाई लड़ सके। इसलिए हमारे जनवाद के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, यूनियन सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी एकता सुरक्षित रहनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने देश की संपदा की रक्षा करें, अपने सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर जो हमारे सरकारी क्षेत्र में है उसको हम बचाएं, उसको बचाना जरूरी है। इसलिए आप साथियों के बीच में आकर के मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज उसकी तरफ से आपको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। आपके मांग पत्र के ऊपर हम बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को भी कहेंगे कि आपके साथ वो एकजुटता जताएं, ताकि आपको ताकत मिले आपकी लड़ाई को, वो भी हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे कहेंगे, मैं नहीं मानती कि ट्रेड यूनियंस गैर राजनीतिक होता है। मैं आखिरी बात कह के आपके बीच में जा रही हूँ, क्योंकि राजनीति क्या है, आप और हम वोटर भी हैं। सरकार जो नीतियां बनाती है राज चलाने के लिए, अगर वो नीतियां हमें एनालिसिस से, हमारी समझ से, हमारी एक्सपीरियंस से, हमारे आवाम जनता के एक्सपीरियंस से, वो नीतियां जनता के विरुद्ध है, मजदूर के विरुद्ध है, किसान के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, तो राज के द्वारा, सत्ता के द्वारा बनाई हुई नीतियां राजनीति है, तो उन गलत नीतियों का विरोध करना भी राजनीति होता है। इसलिए कभी नहीं कहिए, नहीं 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 हम राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, हम ट्रेड यूनियन है, और ट्रेड यूनियन समाज के बहुमत हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, और ट्रेड यूनियन अपने पीछे चलने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ समाज के दूसरे हिस्से जो प्रताड़ित होते हैं उनको ताकत देती है, उनका समर्थन करती है। तो सीधी बात है, एक तरफ कॉर्पोरेट अमीर घराने और दूसरी तरफ आम जनमानस गांव और शहर का, और यूनियंस आम जनमानस के हितों के साथ खड़ी होती है। इसलिए हमारी राजनीति क्या है, हमारी वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स होती है, मजदूर वर्ग की राजनीति होती है। इसलिए हम अपने आंदोलन
को और अपने देश के हित के आंदोलनों को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने क्या करना है वो करेंगे, वो हमारा एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा है हम अपने देश को टिकने नहीं देंगे, अपने बैंकों को निजीकरण नहीं होने देंगे, हम अपने मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। हमें सबके लिए पेंशन चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी नई पेंशन स्कीम, उसको रद्द करो, हमें पुरानी पेंशन स्कीम हमारी बहाल करो। हमारे वो सारे मुद्दे जो आपके चार्टर ऑफ डिमांड के हैं या ट्रेड यूनियंस के डिमांड के हैं वो गैर राजनीतिक नहीं, देश की सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाला हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। इसलिए सरकारों को या नीतियों को बदलना होता है, नहीं तो जनता सरकारों को बदल के चलता कर देती है कि जाओ तुम अपने घर जाओ, क्योंकि सरकारें आपकी मर जाती हैं। हमारे लिए लेफ्ट राइट सेंटर का कोई प्रश्न नहीं है, हम हर सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। अगर मजदूरों को आज समर्थन करने वाली, मजदूर वर्ग का समर्थन करने वाली हुकूमत भी बैठी हुई हो, तब भी हम सजग सड़क पे रहते हैं, उनके ऊपर भी सारे प्रेशर होते हैं, और अगर वो मजदूरों के ऊपर आक्षेप करते हैं तो कोई हमें नहीं रोक सकता है कि हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। क्या लोग लड़ते नहीं थे ज्योति बासु के खिलाफ, बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ बंगाल में? क्या लोग लड़ते नहीं आज भी केरला की गवर्नमेंट के खिलाफ? मैं आपको बता रही हूँ, हमारी यूनियंस जिस बात के ऊपर हम सहमत नहीं है, हम सड़क में लड़ते हैं। इसलिए यूनियनों का अपना धर्म है और यूनियनों का अपनी राजनीति है। इसलिए हम देश की संपदा और संपत्ति और जो हम सेवाएं देते हैं, जो धन दौलत पैदा करते हैं, उसके ऊपर सबका हक होगा, उस हक की बहाली होगी, उस लड़ाई को लड़ते हैं, और वो भी देश के अंदर राजनीति है। इसलिए आप साक्षियों से ये कहते हुए कि हम तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जो इस देश की धरोहर नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने में लगे हैं, लोगों को बांटने में लगे हैं, और साथ में हमारे देश की धन संपदा को अदानी और अंबानी के हवाले करने में लगे हुए हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन्होंने कोरोना में आपका वर्कर दुखी हुआ, सड़कों पे पैदल चला, परेशान हुआ, उसके लिए आंसू नहीं निकले, घरेलू आंसू एक आधी बार आए। उस टाइम जब मजदूर के पास काम नहीं था, उस टाइम पे अंबानी ने 128% का मुनाफा कमाया 2020 से लेके 2021 तक, और अडानी ने 480% का मुनाफा कमाया। मैं बता रही हूं क्या, मोदी सरकार ने बताया। कोरोना से पहले पूंजीपति 102 थे, मींस खरबपति 102 थे, सरकार का आंकड़ा है। एक साल के भीतर मार्च 2020 से 2021 मार्च आते आते 102 खरबपति बढ़ के 142 हो गए, सरकार का आंकड़ा है। उसके बाद अगला साल बीता तो अब कितने हो गए, 166 हो गए। आप सोचिए ना, एक खरबपति पैदा होता है तो लाखों लोगों के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाता है, धन नीचे से ऊपर भेजा जा रहा है, ऊपर से ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, नीचे से जेबों से पैसा ऊपर खिसकाया जा रहा है। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर जो सरकार केवल और केवल कॉरपोरेट घरानों के साथ खड़ी है, केवल और केवल वित्त पूंजी को मदद पहुंचाने में लगी है, उस सरकार को, इस देश की जनता को जवाब देना ही होगा। और अगर बदलते नहीं हो तो मैं यहाँ कह के जा रही हूँ, इस देश का आवाम, इस देश की जनता, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश की महिला, इस देश का नौजवान, इस देश का विद्यार्थी आपको उठा के 2024 में पटक देगा सबको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।